अच्छा, आज के बेसिकली हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इसको कह लें, ठीक है। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको वैसे एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको कुछ समझने में आसानी हो। देखिए, आप किसी भी इंसान से बात करते हैं, कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो आप कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। जब तक आपकी लैंग्वेज सेम नहीं होगी, जब तक एक दूसरे की लैंग्वेज आप समझ नहीं सकते, तो आप उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे लेट सपोज हम लोग पाकिस्तान में भी डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, अगर एक बंदा पश्तो स्पीकिंग है, अगर उसको उर्दू समझ नहीं आती, तो आप उसको बेशक पूरा दिन उर्दू बोलते रहें, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, या वो उसको आपको बता नहीं सकेगा, या आपको समझा नहीं सकेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर एक बंदा है उसको सिर्फ उर्दू समझ आती है और उसको पश्तो नहीं आती, ठीक है, तो आप उसको पश्तो में पूरे दिन कुछ भी कहते रहे, उसको समझ ही नहीं आनी, ठीक है। उसके अलावा ये है, अगर लेट सपोज मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, आप में से कोई एक पश्तो स्पीकिंग है, अब मुझे पश्तो नहीं आती और जो पश्तो स्पीकिंग है उसको उर्दू नहीं आती, बीच में अगर एक बंदा और आ जाता है जिसको उर्दू और पश्तो दोनों आती है, वो मेरी बात सुन के उस पश्तो स्पीकिंग को बताता है और पश्तो वाला अपनी जब बताता है तो पश्तो स्पीकिंग को सुनती है वो मुझे बताता है। जैसे आप सिंपल सी एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा जब हमारे वजीर आजम वगैरह जब मुल्की गैर मुल्की दौरों पर जाते हैं, जब किसी चाइनीज सदर से मिलते हैं या किसी और कंट्री के सदर वगैरह से, तो बीच में ट्रांसलेटर बैठा होता है, ठीक है, तो वो एज ए लिंकर का बीच में काम कर रहा होता है। उसी ट्रांसलेटर को भी हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। अब उनको हम कंपेरिजन करें, ऐसे ही मशीन है, ठीक है। आप इस मशीन से जब आप इंटरेक्ट करते हो तो आपको इस मशीन की लैंग्वेज का पता होना चाहिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। और अगर आपकी लैंग्वेज और मशीन की लैंग्वेज कॉमन है, मतलब जो लैंग्वेज मशीन समझती है वही आप उसको बोल रहे हैं या बता रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो ईजी टू अंडरस्टैंड होगी मशीन के लिए भी। और मुझे रिक्वेस्ट आएगी तो एंटर करूंगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं आएगी आपकी। एक सेकंड वेट कीजिएगा आप लोग। अच्छा, ठीक है। तो जितनी मशीन की जो चीज मशीन समझती है, ये कंप्यूटर की जितनी, अगर मैं उस लैंग्वेज में इससे कम्युनिकेट करूंगा तो इतना इसके लिए भी समझना आसान होगा और मुझे भी उसका अल्टीमेट रिस्पॉन्ड समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर जिस लैंग्वेज में मैं इस मशीन से कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो लैंग्वेज अगर इसको समझ नहीं आती, लेट सपोज मैं इसको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दूँ, कोई सेंटेंस लिखे इंस्ट्रक्शन दूँ, उसको समझ नहीं आती, तो ये क्या करेगी, ये कोई ना कोई ट्रांसलेटर यूज करेगी अपने लिए, ठीक है। तो उसकी प्रोग्रामिंग के अंदर ही ट्रांसलेटर वगैरह होते हैं। तो हम लोग इसको ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं अपनी, यहाँ से मैंने वीडियो देख सके आवाज कर। ठीक है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल कंप्यूटर लैंग्वेज डिजाइन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू मशीन, पर्टिकुलरली कंप्यूटर, ठीक है। सिंपल अल्फाज में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी ऐसी चीज है या फॉर्मल लैंग्वेज है जो इसलिए डिजाइन की गई है जो कम्युनिकेट कर सके इंस्ट्रक्शन किसको, मशीन को या कंप्यूटर को, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज्ड टू क्रिएट प्रोग्राम्स, किस किसके लिए यूज थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टू क्रिएट प्रोग्राम्स और एल्गोरिदम्स, कंप्यूटर के अपने एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है, मशीन के अपने, टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द मशीन। जब जब मशीन की बात करूंगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मशीन से मुराद ही कंप्यूटर है, ठीक है। अच्छा, फिर हम इनकी लैंग्वेज की ना जनरेशन की बात करते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज की जनरेशन हमारे पास अवेलेबल है, ये कौन कौन सी हमने इन पास्ट हमने जिनको एक्सरसाइज की है, और अब हमारी कौन सी जनरेशन चल रही है लैंग्वेज, ठीक है। देखिए, इनिशियली जब कंप्यूटर बना, ठीक है, तो उसके साथ साथ उसको उसके वो तो हार्ड ड्राइव मशीन थी ना, ठीक है, एक मतलब आपका हार्डवेयर था। अब उसको यूज करने के लिए, इसलिए हमने कहा कि उसके प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत थी, तो हमने एक लैंग्वेज बनाई, ठीक है,
जिसको हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियल जो पीसीज हमारे बने थे उसके अंदर यूज होती थी, उसके बाद अभी भी स्टिल हमारे सिस्टम के अंदर ये बैकएंड पे ये यूज होती है, क्योंकि ये क्लोज टू मशीन होती है और इसको इसको चेंज करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग ट्रांसलेटर यूज करते हैं। कि लेट्स सपोज अब इसको इसी से स्टार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है जी, इंट्रोड्यूस्ड इन 1940s, ठीक है, समटाइम्स रेफर्ड एज बाइनरी लैंग्वेज। हमने पिछले कुछ लेक्चर में डिस्कशन की थी बाइनरी लैंग्वेज की, कि जीरो और वन जो होता है इसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मुझे खाली ये चीज बता दी, लाउड एंड क्लियर आ रही है सर? आपकी आ रही है? और वीडियो तो आपने कोई ऑन नहीं किया ना? नहीं, वीडियो की नहीं, मेरी आवाज आपको लाउड एंड क्लियर आ रही है सबको? यस यस जी जी सर। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन टू इंट्रोड्यूस्ड इन 1940s, समटाइम्स रेफर एज बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज इसको कहते हैं, वेरी लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट नाम है, इनको मैं डिटेल से आपको अलग अलग भी बता दूंगा, ठीक है। इट इज अ लैंग्वेज मेड अप ऑफ इंटायरली वंस एंड जीरो। ये सारी की सारी लैंग्वेज जो बनी हुई है ये वंस और जीरोस के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। प्रोग्रामर्स हैव टू डिजाइन देयर कोड बाय हैंड, ठीक है, देन ट्रांसफर इट टू कंप्यूटर बाय यूजिंग अ पंच कार्ड, पंच टेप और फ्लिकिंग स्विचेस। कि जो प्रोग्रामर्स थे जो इस लैंग्वेज को डेवलप करते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, इसके कोड्स को बाय हैंड लिखते थे, पहले बनाते थे और फिर उसको ट्रांसफर करते थे इन पंच कार्ड के ऊपर या पंच टेप्स के ऊपर। मैं आपको उसकी पिक्चर वगैरह भी दिखाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा पंच टेप वगैरह क्या होती है, पंच कार्ड या पंच टेप, ठीक है। ये इस तरह की चीजें होती हैं, ये देखें, ठीक है, ये होती हैं पंच टेप जिसके ऊपर आप पंच करके इसको एलिबरेट करते हो, ठीक है। इसकी और भी पिक्चर आप बाद में गूगल से देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे कुछ, ठीक है, ये बेसिकली हमारे इस तरह की पंच टेप्स और पंच कार्ड वगैरह होते हैं जो इसमें यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, इट इज द ओनली लैंग्वेज अ कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विदाउट यूजिंग अ ट्रांसलेशन प्रोग्राम। ट्रांसलेशन से मुराद के बीच उसका कोई भी ट्रांसलेटर नहीं होता है, डायरेक्टली ये लैंग्वेज में कंप्यूटर को समझ आती है जीरो और वन की, ठीक है। आपको कंप्यूटर जैसे आपने अगर वो देखी थी क्या कहते हैं एलन ट्यूरिंग वाली मूवी में, जिसका नाम भूल जाता है हमेशा, इमिटेशन गेम, उसके ऊपर भी आपने देखा था, वो सारे का सारा जो प्रोग्रामिंग करते हैं किसकी बेस पे करते हैं, इन्हीं एल्गोरिदम्स की बेस पे, जीरो और वन की बेस पे, ठीक है। तो ये सिर्फ एक वाहिद लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को या जो मशीन को समझ आती है, इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज विदाउट द ट्रांसलेटर मशीन को समझ नहीं आती, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं क्लोज टू मशीन, ठीक है। मॉडर्न डे प्रोग्राम स्टिल ओकेजनली यूज मशीन लेवल कोड, स्पेशली व्हेन प्रोग्रामिंग लोअर लेवल फंक्शन ऑफ द सिस्टम सच एज ड्राइवर्स। अभी भी आपके जो ड्राइवर्स बनते हैं, जो आपके डिवाइस के ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, वो लोअर लेवल लैंग्वेज में ही बनाए जाते हैं, ठीक है। इंटरफेसिस एंड फर्मवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है, कुछ डिवाइसेस को अभी भी यूज कुछ डिवाइसेस के लिए अभी भी स्टिल फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज यूज की जाती है, ठीक है, या बाइनरी लैंग्वेज यूज की जाती है। अच्छा, उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस पे चले जाएं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज मेक फास्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर। देखें, जितनी जल्दी अगर आपको लेट सपोज मुझे और आपको उर्दू समझ आती है, तो जितना मैं जल्दी बोलूंगा इतनी जल्दी आप रिस्पॉन्ड भी करेंगे, क्योंकि आपको उर्दू इतनी जल्दी समझ आती है, ठीक है। अब अगर मैं पश्तो बोलूंगा, आप ऐसे जो उर्दू स्पीकिंग है जिनको पश्तो नहीं आती, तो जाहिर है जब तक उनको कोई बंदा समझाने वाला नहीं होगा, जब तक कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, तो उनको समझ नहीं आएगी और मुझे वापस कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही सीन है इस मशीन का भी, कि जीरो और वन की लैंग्वेज जब भी मशीन जानती है, तो मशीन लैंग्वेज मेक फास्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर, तो ये जितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर और टू ट्रांसलेट द कोड, ठीक है, इट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। डिसएडवांटेजेस क्या है जी, ऑल ऑपरेशन कोड्स हैव टू बी रिमेम्बर्ड। अब आपको लेट सपोज अगर कोई भी वर्ड लिखना है, तो उसके आपको कोड जुबानी याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग कोई वर्डिंग ही लिखनी होती है ना उसके अंदर। तो जब तक आपको वो सारे कोड्स याद नहीं होंगे, ठीक है, तो आप प्रोग्राम नहीं लिख सकते, ठीक है।
डिसएडवांटेजेस का, ऑल मेमोरी एड्रेसेस हैव टू बी रिमेंबर, मेमोरी एड्रेसेस जो होते हैं इसके वो भी आपको सारे ऐसे ही याद करने पड़ते हैं, ठीक है सर। किस तरह कोड सर? कोड लेट सपोज देखें अगर नेक्स्ट एक मिनट आप रुकिएगा, आपको एक मिनट बाद इसका आंसर दे तो मुझे खत्म करना है। इट इज हार्ड टू अमेंड और फाइंड एरर्स इन द प्रोग्राम रिटन इन द मशीन लैंग्वेज, ठीक है इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट एक पेज पे जाके। ये देखें जैसे देखें फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज की एग्जांपल दी है, एन एग्जांपल ऑफ मशीन लैंग्वेज बाइनरी फॉर द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। अब अगर आपने हेलो वर्ल्ड लिखना है तो उसकी ये कोडिंग है, ठीक है 01001000, ठीक है ये कोडिंग आपको जुबानी याद रखनी पड़ेगी जब जब आपने हेलो वर्ल्ड टाइप करना होगा, ये एक एग्जाम्पल है। अब अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम में अपने कोई भी इंस्ट्रक्शंस देनी है जो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या प्रोग्राम बनाना है, ठीक है तो आपको ये सारे कोड्स हर वर्ड के जुबानी याद होंगे तभी आप प्रोग्राम लिख पाएंगे, ठीक है। और ये डिबगिंग इसके अंदर बहुत मुश्किल होती है, डिबगिंग से मुराद ये होता है कि अगर इसके अंदर कोई एरर आ जाए, लेट सपोज आपने हेलो के यहाँ पे जो कोड है गलत लिख दिया है, ठीक है तो आपको इन द एंड जाके पता चला तो आपको बहुत मुश्किल होगा आइडेंटिफाई करना कि मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हेलो का जो कोड था गलत लिखा है, ठीक है क्योंकि जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को तो कंप्यूटर आगे से रिस्पॉन्ड करता है, जब कंप्यूटर आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा गलत रिस्पॉन्ड करेगा इट मीन्स कि आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई मसला है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर मसला ये होगा कि आपने जो बाइनरी कोड है गलत लिखा होगा किसी वर्ड का, ठीक है तो इसलिए इसके अंदर डिबगिंग एरर को फाइंड करना या एरर को रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है सेकेंड जनरेशन, ठीक है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड इन 1950s, sometimes referred as assembly language or low level language, ठीक है assembly language भी क्यों कहते हैं इसको भी मैं आपको बताता हूँ। programmers are in the form of alphanumeric, ठीक है alphanumeric symbols और mnemonics कहते हैं इसको, M silent है, ठीक है mnemonics code instead of O and zero and ones, ठीक है इसमें ये होता है कि जीरो और वन की जगह निमोनिक्स कोड यूज होती है सेकंड जनरेशन में, ये इसको असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। दीज अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स कैन हैव मैक्सिमम अप टू फाइव लेटर्स, फाइव लेटर्स से मुराद की देखें एल ई डबल टी ई आर, ये सिक्स लेटर्स हैं, ठीक है तो ये जो अल्फा ये जो न्यूमेरिक निमोनिक कोड होते हैं उनकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो फाइव लेटर्स की होती है, ठीक है फाइव लेटर्स तक का ये लिखा जाता है। कम्बिनेशन एग्जाम्पल एड फॉर एडिशन, देखिए लेट सपोज अब अगर आपने प्रोग्रामिंग में जहाँ पे आप पहले जीरो और वन यूज कर रहे थे आपको हेलो लिखने के लिए जीरो वन डबल जीरो वन जीरो इस तरह लिखना पड़ता था, तो अब अगर आपने ऐसे ही एडिशन का वर्ड लिखना है तो आप उसके लिए सिंपल क्या लिखोगे एड लिखोगे, तीन वर्ड आपने यूज किए तो इसका प्रोग्राम के अंदर फंक्शन चला गया, ठीक है। ऐसे ही आपने सब्ट्रैक्शन का अगर उसके अंदर कुछ वर्ड लिखना है तो आप एस यू बी लिखोगे जस्ट, तो आपका सब्ट्रैक्शन का वर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर चला जाएगा, ठीक है। स्टार्ट लेबल एटसेट्रा बिकॉज ऑफ दिस फीचर इट इज ऑल्सो नॉन एज सिम्बोलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये सिम्बल्स है ना, ठीक है एस यू बी एक सिम्बल है, ठीक है इसके अलावा और भी सिम्बल्स यूज होते हैं इसको हम सिम्बोलिक लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। क्लोज टू मशीन है, ठीक है ये भी क्लोज टू मशीन इसलिए है क्योंकि इसको भी जीरो और वन की बेस पे ही साथ साथ इसको चेंज किया जाता है, ठीक है। Programmers are translated into machine language using assemblers. इसको translate करते हैं assemblers को use करते हुए zero और one की language में, ठीक है। अब आपको उसको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखें जैसे let's suppose आपने subtraction की जगह आपने sub लिख दिया, आपने तो program बना दिया ना, लेकिन इसको sub को तो computer नहीं समझता, computer तो zero और one को समझता है, तो computer जहाँ पे छोटे से example को rewind करते हैं, आपने पूरा पहले hello लिखना था, हेलो के लिए आपने कितने वर्ड यूज करे थे, लेट्स सपोज 8 डिजिट यूज करने थे, ठीक है। अब आप हेलो की जगह हेल यूज कर रहे हैं, एच ई एल यूज कर रहे हैं, तो जहाँ पे आपने 8 डिजिट 0 और 1 लिखे थे वहां पे 2 से 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोग्रामर्स आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज यूजिंग असेंबलर, तो असेंबलर जो होते हैं इसके ट्रांसलेटर तो वो इसको कन्वर्ट करते हैं जिसको 0 और 1 में, मतलब हेल को जो 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा वो असेंबलर करेगा, वो इसका ट्रांसलेटर करेगा, ठीक है। नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल एक तो सिंपल ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा नहीं सकते, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखें जैसे पहले हमने जिक्र किया कि ये उन टेप्स के ऊपर जीरो और वन की बाइनरी लैंग्वेज वगैरह रिकॉर्ड की जाती थी, ठीक है ये भी ऐसे ही है, ये भी पोर्टेबल नहीं है ऐसे कि देखें
लेट्स सपोज आपने ये इंटेल की मशीन के लिए बनाए, इंटेल के कंप्यूटर्स के लिए आपने प्रोग्रामिंग बनाई, तो ये जो डेल के हैं या लेट्स सपोज एचपी के प्रोग्राम, एचपी के जो सिस्टम है या एचपी की जो मशीन है उसके ऊपर ये प्रोग्राम काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक क्लोज टू मशीन बनाया, ठीक है, स्पेसिफिक। दूसरा है कि आपने इसकी इंस्ट्रक्शन की जो डिजाइन की है स्पेसिफिक मशीन के लिए डिजाइन की है। अब अगर कंप्यूटर की कोई और जनरेशन आएगी या कोई और सिस्टम किसी और कंपनी को बनाएगी तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली नहीं है, आपने स्पेसिफिक एक मशीन के लिए बना दी है, ठीक है। यूज्ड इन कर्नल्स एंड हार्डवेयर, अगर आप विंडोज जब इंस्टॉल करते तो आपने अक्सर ये वर्ड देखा होगा कर्नल्स एंड हार्डवेयर, कर्नल्स का या हार्डवेयर, हार्डवेयर का तो आपको पता है कर्नल्स ये विंडो की अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी चीजों के नाम होते हैं, ठीक है। बट मोर ऑफन फाइंड यूज इन एक्सट्रीमली इंटेंसिव प्रोग्राम सच एज गेम्स, गेमिंग में यूज होती है, ठीक है, जो आपकी सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है। वीडियो एडिटिंग के अंदर, ग्राफिक मैनिपुलेशन, रेंडरिंग वगैरह, इनके अंदर जो इनकी प्रोग्राम्स बनते हैं ना, जैसे उसकी गेम अगर कोई डिजाइन करता है तो उसके अंदर जो उसकी बैकएंड प्रोग्रामिंग होती है तो वो ये होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है या सेकंड जनरेशन क्या होती है। ऐसे ही वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उसके अंदर भी बैकएंड पे जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर ये लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अब हम एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। एडवांटेज, असेंबली लैंग्वेज इज इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे आपको समझ आ गई कि अब आपने सबट्रैक की जगह जैसे सब लिखना है, बजाइए कि आप 0, 111 वगैरह कोड याद करें। ठीक है, इट इज इजी टू लोकेट एंड करेक्ट एरर। अब देखें जहां पे आपको 0111 लिखा हुआ था या 010 लिखा हुआ था, आपको ये तो नहीं पता था ना कि इसको कैसे सही है, गलत, ये गलत है, ये सही है। लेकिन अगर आपने सबट्रैक की जगह सब लिखा हुआ है, SUB, ठीक है, और उसके अंदर आपने सब के स्पेलिंग गलत लिखे हुए, आपने SUB के बजाय SAB लिखे हुए हैं, तो आपको इजीली रिलोकेट हो जाएगा कि भाई ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है, आपको एरर जल्दी फाइंड आउट हो गया, आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई लिखा हुआ है इट इज इजी टू रिलोकेट एंड करेक्ट एरर्स, इट इज इजीली मॉडिफाइड, मॉडिफाई भी आप उसको इजीली कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको सब की गलती नजर आ गई तो आपने उसको A के बजाय U कर दिया, ठीक है। डिसएडवांटेजेस लाइक मशीन लैंग्वेज, इट इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट स्पेसिफिक, ठीक है, जैसे मशीन लैंग्वेज 0 और 1 जस्ट मशीन, एक ही मशीन पर डिपेंड करती थी, मतलब एक ही कैटेगरी वाली मशीन के ऊपर। लेट्स सपोज इंटेल के कंप्यूटर, मैंने आपको एग्जांपल दी, वो इंटेल के कंप्यूटर पे काम करती थी तो वो IBM के कंप्यूटर पे काम नहीं करेगी, ठीक है। ऐसे ही ये भी मशीन डिपेंडेंट है क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। Since it is machine dependent, the programmers also need to understand the hardware. आपको कोई भी प्रोग्रामिंग बनाने के लिए या कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए उसके हार्डवेयर के बारे में डिटेल्स का पता होना लाजमी है, जिसलिए मैं मशीन मशीन की बार बार बात कर रहा हूँ। उसकी रीजन यही है कि हार्डवेयर की जो मशीन हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब तो खैर कॉमन बनना स्टार्ट हो गई है काफ़ी अर्से से, लेकिन इनिशियली जब हमने फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर ईजाद की, जब नया नया कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू किया तो हार्डवेयर मशीन डिफरेंट होती थी, इनकी जो बैकएंड पे जो सर्किट्स वगैरह यूज होते थे या ऐसे प्रोसेसर वगैरह यूज होते थे वो डिफरेंट होते थे, इनकी प्रोग्रामिंग डिफरेंट तरीके से होती थी, ठीक है। सिंस इट इज मशीन डिपेंडेंट द प्रोग्रामर्स नीड टू अंडरस्टैंड द हार्डवेयर, सो इसके लिए आपको इन डेप्थ हार्डवेयर की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, ठीक है। ये देखें एन एग्जाम्पल ऑफ असेंबली लैंग्वेज फॉर द टेक्स्ट हेलो। अब हेलो के लिए उसने जैसे ये हेलो का तो नहीं वर्ड यूज किया, वैसे यहाँ पे और यूज की मैं ग्लोबल मैन एक्सटर्न प्रिंट सेक्शन टेक्स्ट, वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल जो दे दी है वो ठीक है, आप उसी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। पुश मैसेज कॉल, अब ये कॉलिंग है पूरा, ये मैसेज के साथ कुछ और भी होगा, ठीक है। अब ये ऐड यूज किया हुआ है एडिशन के लिए, ऐसे ये लेट्स सपोज REF अगर मैं यूज कर लूँ रेफरेंस के लिए, ठीक है, तो ये मैसेज मेन मैसेज, इन चीजों को आप छोड़ दें, आप सिंपल वो एग्जाम्पल भी दे देंगे तो चलेगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेट एग्जाम्पल्स, इसकी ये भी एग्जाम्पल हैं रिड्यूस्ड, ये देखें उसने जस्ट RISC लिखा हुआ है, इट मीन्स कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। तो इनके अंदर भी ये मल्टीलेवल 86, आपने विंडो के अंदर देखा होगा जब आप इम्बेड करते हैं विंडो को, 32 उसकी भी होती है और 86 की भी होती है, तो ये 86 की उसके भी में भी यूज होता है। ये इरेलीवेंट चीज़ें हैं, इनको आपको कोई जरूरत नहीं है इतना वो उसके फोकस कर दी कि आपको सिंपल एग्जांपल्स का पता होना चाहिए। असल में हम लोग जितना हमारे कोर्स से रिलेटेड चीजें ना, हम लोगों ने आपको जनरल ओवरव्यू देना है, इन डेप्थ अगर हम आप प्रोग्रामिंग पढ़ाना शुरू हो जाए, सिखाना शुरू हो जाए तो वो सॉफ्टवेयर का काम है, उतनी आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जितनी आपकी कोर्स कॉन्टेंट के अंदर जरूरी है तो इतनी मैं आपको बताता हूँ, बाकी जो इरेलीवेंट एग्जाम्पल्स होती है तो मैं स्किप करवा देता हूँ।
ठीक है, साथ साथ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि ये क्लोजर टू मशीन नहीं है या मशीन फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। ये भी इंट्रोड्यूस इन 1950s में, लेट 50s में ये इंट्रोड्यूस हुई। पर्पस ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस वाज टू इनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम्स इजीली, ठीक है, बजाय इसके कि अब आप सब लिखें या ऐड लिखें फॉर एडिशन, सब लिखें फॉर सब्ट्रैक्शन, या जीरो वन वाली कोडिंग याद करें, अब आप सिंपली पूरे पूरे सेंटेंस लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। ये आती है, इसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इन देयर ऑन नेटिव लैंग्वेज, जो ऑन नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश, मतलब अपनी जो उनको आसानी से समझ आती है इंग्लिश जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसमें वो लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। दीज आर सिम्बॉलिक लैंग्वेजेस दैट यूज इंग्लिश वर्ड्स और मैथमेटिकल सिंबल्स रादर देन निमोनिक कोड्स। अब निमोनिक कोड्स की जगह मैंने आपको जैसे भी पहले भी एग्जाम्पल दी कि ऐड ये सब की जगह पूरे पूरे वर्ड्स यूज कर सकते हो या मैथमेटिकल सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लोज टू ह्यूमंस, ह्यूमंस को समझने में आसानी। कंपाइलर, ट्रांसलेटर आ गया। अब इसका जारी बताब, एक चीज जब ह्यूमंस को इजीली समझ आ जाती है जनरल पब्लिक को, कंप्यूटर को तो नहीं समझ आएगी, तो कंप्यूटर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा कि जो कंप्यूटर को समझाए कि भाई ये ह्यूमन ये बात कर रहा है, ठीक है। कंपाइलर विच कन्वर्ट द लैंग्वेज इनटू मशीन कोड ऑटोमेटिकली वाज डेवलप्ड, ठीक है, कि जो आपकी लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, वाज डेवलप किया गया था, ठीक है, इस दौरान भी एज ए ट्रांसलेटर। फर्स्ट कंपाइल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 1952, मतलब फर्स्ट टाइम कब यूज हुई, इन 1952 फॉर द मार्क वन कंप्यूटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। इसकी एग्जांपल है कि सबसे पहले इसका यूजेज कहां पे हुआ, ठीक है। अच्छा, इन 1954 फोर्ट्रॉन वाज इन्वेंटेड बाय एट आईबीएम, ये भी इसी थर्ड जनरेशन की बात कर रहे हैं, बाय जॉन बेकर्स, एंड इट वाज द फर्स्ट वाइडली यूज्ड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू हैव अ फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इसकी एग्जांपल देंगे। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस, इजियर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड देन एन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वही जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इजियर टू अंडरस्टैंड देन एन असेंबली लैंग्वेज एज इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट देन रिजेंबल ह्यूमन लैंग्वेज ऑन द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। हैव लेस रिजिड रूल्स, मतलब जिस तरह उसको हम कहते हैं कि बाइनरी में रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि अगर आपने हेलो वर्ड्स की जो रूल्स अगर आपने ब्रेक कर दिया, एक भी जीरो आपने ज्यादा डाल दिया या एक वन एक्स्ट्रा डाल दिया या कम डाल दिया या रिप्लेस कर दिया, वो रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन थे। बट इसके अंदर रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे। रिजिड का मतलब होता है सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। फॉर्म्स एंड सेंटेक्स, सो द पोटेंशियल फॉर एरर इज रिड्यूस्ड। तो इसमें एरर का जो पोटेंशियल है, जैसे हमने कहा था कि सब में एस ए बी एस यू बी वाला सीन बताया था ना, तो इसमें जब आप सेंटेंस पूरा पूरा लिखते हैं तो वो जब नेटिव लैंग्वेज में होता है तो आप उसको इजीली और उससे भी ज्यादा आसान तरीके से आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आर मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक है, प्रोग्राम देयर फॉर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट हैव टू बी रीप्रोग्राम्ड व्हेन द कंप्यूटर इज इंस्टॉल्ड। देखो, अब ये आ गया है मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक है, इसका मतलब यह है कि इस लैंग्वेज में कोई भी जब प्रोग्राम लिखा जाएगा तो वो आप किसी भी मशीन के ऊपर इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है और उसको चेंज करने के लिए उसके बैकएंड पे कोई ना कोई ट्रांसलेटर मौजूद होगा कि जो अगर मशीन डिफरेंट भी है तो उसको वो इंस्ट्रक्शन पहुंचा देगा, ठीक है। प्रोग्रामर्स डू नॉट हैव टू लर्न A new language for each computer they program. देखो, जब हमने first generation की बात की, second generation की, वहाँ पे आपको एक language को सीखना जरूरी था। जब तक आपको 0-1 की language नहीं आती तो आप उसकी programs को design नहीं कर सकते। But यहाँ पे high level language में आपको कोई भी language extra आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आपको simple जो अपनी native language है वो उसके ऊपर आपको बूर होना चाहिए। वो आप लिखेंगे तो उसके backend पे compiler क्या करेगा, आपकी language को computer तक मैसेज डिलीवर कर देगा या प्रोग्राम बना के उसको ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, लेस एफिशिएंट देन असेंबलर। एफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि कंप्यूटर, जब आप मैसेज ट्रांसलेट कर आप मैसेज भेजेंगे फिर मैसेज को ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करेगा, फिर कंप्यूटर को पहुंचाएगा, फिर कंप्यूटर वापस ट्रांसलेटर को देगा, ट्रांसलेटर उसको दोबारा आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और फिर आपको पहुंचाएगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम इसको कहते हैं less efficient than assembler language programs and requires a greater amount of computer time for translation into machine instruction, ठीक है। आपने कोई instruction दी, compiler या assembler जो भी है वो उसको translate करेगा और फिर instruction देगा machine को। ऐसे ही machine उसका output जब देगी तो पहले
ट्रांसलेटर को देगी और फिर ट्रांसलेटर आपको देगा, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, ये सिंपली आपको ज्यादा डिटेल से याद करने की जरूरत नहीं है, जेनेरिक आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी थी है, कौन कौन सी होती है, ठीक है। ये नाम आपको यानी कि दो लाइनें आपको याद होनी चाहिए, सिर्फ रात के आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। पहली है टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, अलजेब्रिक फार्मूला टाइप प्रोसेसिंग, ठीक है। दीज लैंग्वेजेस आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। थर्ड जनरेशन के अंदर जो फर्स्ट टाइप है, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स या स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजाइन की गई, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक फार्मूला, जिसके अंदर एग्जाम्पल इंक्लूड है बेसिक बिगनर ऑल पर्पज सिंपोलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स, फोरट्रॉन है, PI है, algorithms की है, APL की है, और programmer languages। या आपने कुछ अगर बच्चों ने ICS वगैरह किया है, अगर 9th 10th में कंप्यूटर पढ़ा है, तो वहाँ पे आपने इन डिटेल से ये पढ़ी होंगी, ठीक है। बट आपको सिंपल यहाँ पे डिटेल से याद करने की जरूरत है, जस्ट आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, किसका कौन कौन सी टाइप्स एग्जाम्पल्स कौन कौन सी आती है और कौन कौन सी ये कैटेगरी में फॉल करती है, ठीक है। इसी तरह बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है COBOL और RPG, ठीक है। The language are best able to maintain data processing procedures and problems involving in handling files. जो आपकी files handling पर आप करते हो, file save करते हो, MS Word की, PowerPoint की, Excel वगैरह की, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं business data processing। या आपकी सारी business data की processing यूज होती है, उसके अलावा आपके ये data maintenance softwares वगैरह हो गए, ERP वगैरह हो गए सारे, ठीक है। तो इनके backend पे जो language यूज होती है वो हम कहते हैं उसको COBOL and RPG, मतलब common business oriented language और report program generator। आपको ये जरूरत नहीं है कि ये COBOL क्या होती है, कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है, सिंपल आपको बस इनके नाम वगैरह याद होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ये स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग है, एटलीस्ट ये 5 आपको याद होना चाहिए, दैट्स मोर देन एनफ, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। वैसे तो बहुत बेताश है, बट लीस्ट अगर आपको 5 भी आते हैं तो बहुत है, ठीक है। स्ट्रिंग एंड लिस्टिंग प्रोसेसिंग, दीज आर यूज फॉर द स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, उनके प्रोसेसेस की मैनिपुलेशन की बात करें, इंक्लूडिंग सर्च पैटर्न एंड इंसर्टिंग और डिलीटिंग कैरेक्टर्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अप्रोक्सीमेटली 50 टाइप्स इन विकिपीडिया, खुद ही बता रहा है कितनी ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट OOP का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है। द कंप्यूटर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स, एग्जांपल C++, जावा, ऑब्जेक्टिव सी, ये इसकी टाइप्स की बात कर रहा है। इसी तरह विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, these programming languages are designed for building windows based application, example visual basic, visual java, visual c, ठीक है। बस यहां तक बहुत है ये आपके पास। इसके बाद हम लोग फोर्थ जनरेशन पे जाते हैं, प्रोग्राम पैराडाइम उसकी जरूरत नहीं है आपको। इनकी भी जरूरत नहीं है आपको, मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, लिंक आपने देख लेनी है, मैंने इसकी आवाज खुद ही म्यूट की आपको समझाने के लिए, ठीक है। इस वीडियो में अपनी इसकी आवाज है, जो चीजें स्किप करवा रहा हूँ इसको आपने भी स्किप कर देना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब आप समझ लें कि आप थर्ड के बाद हम जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं वो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। वो यूजर फ्रेंडली हैं और क्लोज टू यूजर हैं। इन 1970s थ्रू द 1990s ऑल्सो नॉन इज वेरी हाई लेवल, वो सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज थी, अब ये वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, बात हुई उसके स्टेप्स बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। ऑल्सो नॉन इज अ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज, मतलब कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करती ये लैंग्वेज, ठीक है। इट इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक, क्लोज टू नेचुरल लैंग्वेज, क्लोजर टू डोमेन, फर्दर फ्रॉम द मशीन। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस नीड अप्रोक्सीमेटली 1/10 द नंबर ऑफ स्टेटमेंट दैट हाई लेवल लैंग्वेज नीड्स टू अचीव द सेम रिजल्ट। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो सिंपल अगर एक हाई लेवल लैंग्वेज जो हमने थर्ड जनरेशन में पढ़ी वो अगर 10 लाइनों में स्टेटमेंट कवर करती है तो फोर्थ जनरेशन एक ही लाइन के अंदर उस स्टेटमेंट को कवर कर लेती है, ठीक है। मतलब बहुत प्रिसाइजली ये यूज होती है, ठीक है। नॉन कंप्यूटर प्रोफेशनल कैन डेवलप सॉफ्टवेयर, इवन जो नॉन कंप्यूटर प्रोफेशनल है वो भी ये सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन कर सकते हैं इस लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। क्योंकि आपको ट्रांसलेटर्स मिल गए, आपके लिए जो सबसे बड़ा जो मसला था पहले ट्रांसलेटर्स का वो हल हो गया था, बस कंपाइलर और असेंबलर वगैरह आ गए, ठीक है। तो ट्रांसलेटर्स को यूज करते हुए आप इजीली कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स वगैरह आप डेवलप कर सकते हैं। ज्यादातर ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक थी, एप्लीकेशन का आपको पता होना चाहिए, जितनी भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, ये MS Office,
एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, गूगल क्रोम, ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन पे फोरम आगे, चलो फिफ्थ जनरेशन देख लेते हैं। इट इज बेस्ड ऑन सॉल्विंग यूजिंग फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, इट इज बेस्ड ऑन सॉल्विंग यूजिंग constraints given to the program rather than using an algorithm written by the programmer. ठीक है, introduced around 1990s, very closely resembles human speech. ठीक है, वही बात कर रहा है कि human speech से resemble करके उसे close है. ठीक है, one could word a statement in several ways, perhaps even misspelling some words or changing the order of the words and get the same result. ठीक है, even आपसे अगर misspelling वगैरह भी हो जाए या changing in order भी अगर आप change करते हैं तब भी आपका प्रोग्राम डिजाइन वगैरह हो जाता है, उसके अंदर इश्यूज नहीं आते। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा जदीद किस्म के सॉफ्टवेयर, ज्यादा जदीद किस्म के ट्रांसलेटर यूज होना शुरू हो गए। ठीक है, एग्जांपल आपको देता हूँ, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स आर प्रोलॉन्ग, मर्करी, ओपस 5, इन सबको छोड़ दें, आपको याद नहीं होनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आप देखिए एक मशीन से क्या क्या कुछ किया जा रहा है। ठीक है, कि आप सिंपल बोलते हैं, मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आप मशीन इंस्ट्रक्शन सुनती है और इसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, दीज लैंग्वेजेस आर आल्सो डिजाइन्ड टू मेक द कंप्यूटर स्मार्टर, आपका कंप्यूटर बहुत स्मार्टर हो गया। आपके इवन जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग डिटेल से टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट आपके इसके कंप्यूटर को स्मार्ट इसलिए बना दिया कि इंटेलिजेंट हो गया आपका कंप्यूटर। इवन जो चीज एक ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस करता है 10 घंटे लगा के, उसको कंप्यूटर विद इन 1 सेकेंड प्रोसेस कर देता है। ठीक है, जस्ट इस लैंग्वेज की बेस पे कि इसको इतना, इसके अंदर इतनी मॉडिफिकेशन कर दी गई है, इतना इसको अच्छे से डिजाइन कर दिया गया है कि इसके अंदर एल्गोरिदम्स हैं इसके बैकएंड पे, वो बहुत जल्दी प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इनिशियल तो ये था ना कि जब हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप की तो उसको कंपाइलर्स या उसके जो असेंबलर्स वगैरह थे तो उसको टाइम टेकिंग थे, उसको टाइम लेके वो करते थे, ट्रांसलेट करते थे। बट इस जनरेशन की लैंग्वेज में ये हुआ कि उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी, ठीक है, वो ट्रांसलेटर की वो इतनी बढ़ा दी गई कि ये जैसे नॉर्मल लो लेवल लैंग्वेज काम करती है तो उसी स्पीड से ये फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज काम करती है। ठीक है, मेनली यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रिसर्च के अंदर यूज होती है। नेचुरल लैंग्वेजेस ऑलरेडी अवेलेबल फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स इंक्लूड, ये है क्लाउड, QAA, सेवी, रिटायर, डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप छोड़ दें। ठीक है, मैं आपको यहाँ से इसकी एग्जाम्पल देता हूँ आगे, अगर ये देखें सबसे बड़ी चीज एग्जाम्पल, अगर आपने आयरन मैन देखी हुई है तो उसके अंदर जब वो इंस्ट्रक्शन देता है मशीन को, ये देखिएगा छोटी सी वीडियो, ये देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जाम्पल। अभी आयरन मैन इसकी आवाज अभी नहीं खोल रहा, आप बाद में इसको विद वॉइस सुन लीजिएगा। अभी देखिए ये बोल रहा है, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है मशीन को और मशीन जो फंक्शन परफॉर्म करती जा रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली फिफ्थ जनरेशन है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, देखो कार्स को, उन चीजों को अपनी मशीन के अंदर बोल रहा है, वो सारी इसके आगे इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, इसको मैं साथ साथ स्किप करता जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये उसमें आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सबसे ज्यादा यूज कर रही है वो चाइना कर रही है। ठीक है, चाइना कैसे कर रही है, इतना स्मार्ट सिस्टम्स बना दिए गए हैं अब कि वो, अब देखें अगर आप सिंपल, अगर आपको मैं आपके सामने 10 चाइनीज खड़े कर दूंगा, मैं आपको कहूँगी यार अगर आप इनको 1 महीने बाद देखेंगे तो पहचान लेंगे, आप कभी भी 1 महीने बाद क्या 1 घंटे बाद आप उनको नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो सारे एक ही जैसे हैं, कोई इतना फर्क नहीं है उनके अंदर। ठीक है, बट चाइना में उन लोगों ने ये किया कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया ह्यूमन बिहेवियर को चेक करने के लिए, उनकी मूवमेंट चेक करने के लिए, अगर लेट्स सपोज उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को नोट करके कि वो क्या चीजें परफॉर्म करने जा रहे हैं या उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो क्या डिटेक्ट कर रहे हैं कि ये बंदा क्या करने जा रहा है, ये रॉबरी करने जा रहा है, इसका जो एटीट्यूड है वो किस तरफ डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस चीजों के ऊपर भी, और उसकी आइडेंटिटी, उनको मतलब किसी भी टाइम किसी भी जगह पे वो बंदा ट्रेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस तरह बंदे अगर कोई सड़क पे जा भी रहे हैं पैदल तो वो ट्रेस कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने कैमरों को यूज करते हुए इस बंदे का क्या नाम है, क्या एज है, कहाँ पे रहता है, ठीक है, और इसके क्या एक्शन एंड बिहेवियर में उसकी डिटेल क्या, हिस्ट्री क्या है इसकी। ठीक है, मैं आपको उसकी वीडियो को फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ।
सर्विलियंस कैमराज यूज किए दैट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई यू. ये देखें सासम की डिटेल्स आ रही हैं, ये अडल्ट स्पेंड्स मेल, ठीक है, अपर ग्रेड ग्रे, सारी उसकी डिटेल्स आ रही हैं. मतलब चाइना बहुत एडवांस है हमसे. ये देखें चलते फिरते बंदे के वो फेशियल एक्सप्रेशन डिटेक्ट करके उसका नेम भी आ गया, जेंडर, एज, सारा डाटा सेव है उसका, बैकएंड पे डिटेल्स उसकी हमारे पास आ जाती है, ठीक है. ये हर जगह पे चाइना में ये सर्विलियंस कैमरा यूज हो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिजॉल्व वेयर इट फेस और इमेज. देखो पहले वो फेस डिटेक्ट कैसे करता है, ये देखो वो टच पॉइंट्स आपके डिटेक्ट करता है फेस पर से. अभी देखिएगा टच पॉइंट्स आपको बताएगा. पहले इसने आई के टच पॉइंट्स डिटेक्ट किए, उसको पता चल गया कि इसकी आईज की जो विड्थ है या लेंथ है वो हाइट वगैरह इतनी है. देन नोज को किया, फिर आपके लिप्स को किया, तो उसने एक इमेज इसका ड्रॉ कर लिया स्केच. अब उस स्केच उसने अपने पास सेव कर लिया बैकएंड पे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है. अब उसी की बेस पे ये है कि वो हर जगह इसको आइडेंटिफाई कर सकता है. बस स्टॉप्स के ऊपर है, ये देखें इस तरह का उसने बैकएंड पे अपने पास सेव कर लिया डाटा. अब ये कहीं पे भी पैदल चल रहा है या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसको वो डिटेक्ट कर सकते हैं. देखो द गोल इज टू डिटेक्ट सस्पिशियस बिहेवियर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट क्राइम्स, ठीक है. अभी ये एक और चीज़ है, इसका सोफिया नाम है, सोफिया नाम है. ये एक पूरा इंसान ने बना दिया है जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे, एक रोबोट है, ठीक है, सोफिया रोबोट. ये पूरी बोलती है बाकायदा, इंसानों की तरह समझती है, एक्सप्रेशंस भी देती है, ठीक है. उसको 2008 के अंदर सऊदी अरेबिया ने भी इसको तस्लीम किया था, उसको यूज करना स्टार्ट किया था, ठीक है. ये बिल्कुल आपके आंसर्स करती है कि क्वेश्चन का, ठीक है. और एक्सप्रेशन भी देखें, स्माइल कर रही है, उसको लिंक उससे इंटरेक्शन भी कर रही है, ठीक है. आप इसको देख लीजिएगा बाद में, मैं इसको फिलहाल बंद करता हूँ. वीडियो हमारी एंड, वो मीटिंग एंड होने वाली है, नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं.